इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई में, आपको बता दें दिवाली बाद बम फोड़ने वाला दिया था बयान। अब देवेंद्र फडणवीस की 12 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 बजे नवाब मलिक भी करेंगे पलटवार। आपको बता दें मुंबई ड्रग्स केस में एक तरफ जहां जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, तो पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होता दिख रहा है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इससे पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वह दिवाली के बाद वह बम फोड़ेंगे। फडणवीस पर महाराष्ट्र सरकार मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की तरफ से ड्रग्स का धंधा चलाने के आरोप लगाया था, और इसके साथ ही नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी के भी ड्रग्स तस्कर से संबंध बताए थे, और यह आरोप लगाया था कि उनके गाने को ड्रग्स तस्कर ने फाइनेंस किया था। आपको बता दें इधर फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पलटवार करने के लिए नवाब मलिक भी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगातार दोनों नेता 1 घंटे के अंतर में दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एनसीपी के सीनियर नेता की तरफ से एनसीपी के अधिकारी समीर वानखड़े और देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तो आज देखना होगा महाराष्ट्र में क्या क्या होता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें मेट्रो सिटी समाचार पर।